नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर, सुबह के दिन के 1 बज रहा है, बाकी मार्केट का आज ऑफ है, ठीक है, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी और गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि ये जो मंथ चल रहे हैं इसमें Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं, हाफ ईयर के रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस रिजल्ट का इंपैक्ट शेयरों की मूवमेंट में दिख रहा है आपको। और जब भी मैं कॉल देता हूँ तो आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देता हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म दोनों पर्पज़ से देता हूँ आपको कॉल, तो डेफिनेटली आप अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर मैंने चूज़ किया है वो है लखीता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। लखीता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले समझते हैं ओवरव्यू उसका, मोटा मोटा क्या कंपनी किस वर्किंग में, किस सेक्टर में, क्या ये सही समय इसमें बाय करने का नहीं, ये भी समझते हैं। तो लखीता के ये देखिए, मैंने लखीता की वेबसाइट ओपन कर रखी है, लखीता का वर्किंग क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बारे में इसका जो Q2 रिजल्ट आया कल के दिन में तो वो समझते हैं क्या वजह थी इसके रिजल्ट आने के बाद, क्या मूव ट्रेंड है, क्या इसमें सही समय बाय करना, ये भी समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, मैंने लखीता की वेबसाइट ओपन कर रखी। तो लखीता का बेसिकली वर्किंग क्या है, ये कंस्ट्रक्शन के मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है कंपनी। तो कंस्ट्रक्शन किस तरह का करती है, कंस्ट्रक्शन का वर्क बेसिकली सीएनजी पंप बनाती है, सेकेंडली पाइपलाइन होती है गैस सीएनजी की पाइपलाइन, एलपीजी की जो सीएनजी पाइपलाइन होती है ऑल ओवर कंट्री, देखिए ना क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, तो कंट्री को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी किस सेक्टर के अंदर है, सीएनजी स्टेशंस बनाना, पेट्रोल पंप्स बनाना, सीएनजी स्टेशंस बनाना और अपने टर्मिनल्स बनाना, पाइपलाइन बिछाना कि सीएनजी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को डिलीवर की जा सके, कैसे कनेक्ट की जा सके सीएनजी को। तो कंपनी का बेसिकली काम वो है, आपको मोटा मोटा समझ आएगी कंपनी का वर्किंग क्या है। कि कंपनी सीएनजी नहीं बनाती है, कंपनी सीएनजी का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि पाइपलाइन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी एक लोकेशन दूसरे लोकेशन तक पहुंचाने के लिए वो जो पाइपिंग डलती है उसका काम ही कंपनी करती है। स्टेशन को कैसे बनाना है, स्टेशन को कैसे बिल्ड करना है, स्टेशन में क्या क्या लगना है, वो सारा काम कंपनी का है। ये कंपनी वो प्रोजेक्ट लेती है, कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है, किस सेक्टर का, सीएनजी के अंदर। ये देखो लखीता का वो टैगलाइन भी है, फ्यूलिंग द फ्यूचर। तो ठीक है, ये ओवरव्यू हो गया कंपनी के बारे में, आपको समझ आ गया कंपनी किस लखीता किस सेक्टर में वर्किंग है। सीएनजी का काम नहीं करती, सीएनजी जो मशीनरी बनती है यानी कि देखिए स्टेशन जैसे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, बी इंस्पायर बाय द बेस्ट, ठीक है, ये इनका प्रोजेक्ट चल रहा है ये देखिए। तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि सीएनजी को कैसे, एलपीजी को कैसे पहुंचाना है, एलपीजी को कैसे रनिंग में लाना है, ये सारा वर्किंग काम बनी करती है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू कंपनी के बारे में, तो ये ओवरव्यू तब आके आप कंपनी की वेबसाइट पर आकर खुद चेक कर सकते हैं। तो कंपनी का बिजनेस आपको समझ आ गया, अब समझते हैं कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, कंपनी के अंदर और भी पोटेंशियल है, कंपनी का रिजल्ट कैसा है वो समझते हैं अब। तो देखिए, मैंने गूगल पर ओपन कर लिया ये। तो कल जब मुहूर्त ट्रेडिंग सीजन ओपन हुआ था उस टाइम पे देखिए इसमें एक, क्योंकि कल इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद इसमें एक झटके में मूवमेंट देखने को मिला था। ये देख सकते हैं आप, 5.5% का अपर सर्किट लगा के हुआ था और क्लोजिंग के टाइम पर लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो देखिए, ओपन होता है कल के दिन में ये 379 पर ओपन होता है, हाई मारता 385.95 का, लो मारता 365.20 का। तो 52 हाई है इसका 480 का, 52 लो है 1130 का, ये 52 हाई लो है इसका 133.80 का। तो ये तो ओवरव्यू था कल, इसमें क्वार्टर रिजल्ट का रिजल्ट भी कल ही आया था इनका दिवाली वाले दिन ही, और कल ही इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया था। आप समझते हैं इसमें 5 दिन में कितने रिटर्न दिए इसने, 5 दिन में हमें अभी तक इसने 8% का रिटर्न दिया प्लस में, और 1 मंथ के अंदर ने माइनस में रिटर्न दिया अभी तक, क्योंकि अभी 6 महीने में इसने ओनली 4% दिए हैं, और अभी तक की यानी कि 1 साल अभी तक के दिन में इसने 101% रिटर्न दे चुका है। ये देखिए, इसमें अभी पोटेंशियल है, कंपनी कब से 1998 से रनिंग में इंडिया से कंपनी लखीता का, ठीक है, आप समझते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी काम करती है। तो ये समझते हैं इसके अंदर और क्या है प्लस पॉइंट। ये देखिए, मैंने NSE की साइड ओपन कर रखी है, तो NSE की साइड पर ही इसमें देखिए कल के दिन यानी कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसके अंदर देखिए 4 नवंबर 2021 के अंदर जो इसमें डिलीवरी उठाई गई है वो 57% डिलीवरी यानी काफ़ी अच्छे के साथ इसमें डिलीवरी उठाई गई है। ये देखिए काफ़ी अच्छे पोटेंशियल के साथ 57.65% इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अब इसमें ओवरव्यू समझता हूँ इसका। ये देखिए, मैंने इसका
शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर रखा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। इसके अंदर देखिए 74.11% इसमें प्रमोटर की है, 25.79% में होल्डिंग है पब्लिक की, यानी कि हम लोगों की, ठीक है। तो इसमें FIDS का कोई रोल नहीं है, ये ओवर शेयर होल्डिंग पैटर्न है अभी तक की, यानी कल तक के दिन में। अब इसमें समझते हैं इसके अंदर क्या है, क्यों इसमें मूवमेंट आया, क्या वजह है, क्योंकि मूवमेंट जो आ रहा है, देखो क्वार्टर क्वार्टर वाला रिजल्ट आता है, किसी भी कंपनी की अर्निंग आ गई उसके बाद से ही पता चलता है कंपनी ग्रोइंग में है या माइनस में, लॉस में चल रही है, ये उसके रिजल्ट के बाद ही समझ आता है। क्योंकि हम इन्वेस्ट करने से पहले हमें समझ आना चाहिए कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना चाहिए। तो देखिए लखीता का जो क्वार्टर क्वार्टर का रिजल्ट आया था कल दिवाली वाले दिन, तो इसका मार्केट कैप है 707 करोड़ का, ठीक है। स्टॉक PE 17.7 का है, ROC काफ़ी अच्छा 34% का, बुक वैल्यू भी सही है इस टाइम पर इसकी, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 26% है, फेस वैल्यू भी काफ़ी सही है कंपनी की अभी, यानी कि कंपनी के अंदर कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बाकी देखिए कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट देखिए, यानी कंपनी इसके वक्त तो आप होल्ड भी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको, ये मल्टी बैगर भी साबित हो। क्यों, ये देखिए कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है, कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, कंपनी CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे 62% है इसकी, कंपनी ने रिकॉर्ड 3 साल के अंदर रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा दिया, ROE देखिए 31.48% दिया है। बस कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी जो कर्जा करने के दिन थे यानी कि 51 से बढ़ के वो 74 हो गए, तो ये कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट था, बस एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी इतने अच्छे प्लस पॉइंट है। बाकी मुझे लगता है इसमें आप होल्डिंग भी करेंगे, क्योंकि देखिए अभी LPG स्टेशंस, CNG पेट्रोल पंप्स अभी ऑल ओवर इंडिया में इतनी कागज में नहीं है, बस मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के बाकी अभी रूलर और हिल स्टेशनों में नहीं गया है, ठीक है, रूलर के अंदर हिल स्टेशनों में नहीं गया है। अभी तो CNG का ग्रोथ होना है, अभी तो CNG को पहुंचाना है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा होने का CNG की डिमांड बढ़ रही है डे बाई डे, और फ्यूल जो CNG है उसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ रही है, और CNG पेट्रोल ओपन होंगे और घर घर तक CNG की पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंचे, गैस सिलेंडर को हटाने की उम्मीद है। तो देखिए ये सब चीज़ों बदलाव होगा फ्यूचर के अंदर, इसे बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, ये शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा फ्यूचर के अंदर, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो अगर आप लॉन्ग पर्पज के साथ भी इन्वेस्ट करेंगे इसमें होल्ड रखेंगे। अब देखते हैं इसका क्वार्टर रिजल्ट है क्या रिजल्ट है, ये देखिए कल इसका जो रिजल्ट आएगा, इसकी जो अर्निंग है वो 59 करोड़ रुपये की थी, प्रॉफिट आया था 14 करोड़ का, ठीक है, और EPS इसका बड़ा है, यानी कि देखिए अर्निंग पर शेयर इसका बड़ा है, यानी कि पहले जून क्वार्टर के अंदर था 5.15 था, वो बढ़ के हुआ है 5.26, यानी कि कुछ परसेंट बढ़ा है, बाकी क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट बढ़ा है। अब समझते ईयर वाइज, देखिए सितंबर 2020 के अंदर इनकी सेल्स थी 41 करोड़ की, वो बढ़ के हुई है 59 करोड़, ये भी बड़ी है, और इनके ऑपरेशनल ऑपरेशन प्रॉफिट भी बढ़ा, यानी कि 8 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हुआ, ये भी यानी कि 2 गुना बढ़ा है इनकी, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ी, EPS भी बढ़ा इसका, यानी कि पहले 4.82 था वो बढ़ के हुआ 5.26, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट तो सेम है, बस EPS में ग्रो हुई है, बाकी नेट प्रॉफिट भी सेम है, अर्निंग भी सही है, बस सेल्स बढ़ी है, यानी कि 3% सेल का इफाजा हुआ है। ईयर क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट देखेंगे तो ईयर वाइज भी सेल्स का हिसाब 50% हुआ, तो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिटर्न आए, अच्छा यानी इसी वजह से इसमें मूवमेंट आया कि ईयर वाइज इसमें प्रॉफिट दिखा है, क्वार्टर क्वार्टर वाइज इसमें प्रॉफिट दिखा है, ठीक है। हमारा जो मेन पर्पज़ क्या होता है, किसी भी हम लोग जो इन्वेस्टर है, यानी हम कंपनी के साथ तो डील तो कर नहीं सकते, बस कंपनी के शेयर में तो इन्वेस्ट करते हैं, तो अर्निंग पर शेयर जो होती है वो हमारा मेन फोकस होता है कि अर्निंग पर शेयर कितना मिल रहा है हमारे को। देखिए अर्निंग पर शेयर क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट भी बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ा है, तो ईयर वाइज भी बढ़ा है, ये देख सकते हैं ना, ईयर वाइज बढ़ा है फर्स्ट क्वार्टर। तो ये देखिए आप EPS यहाँ पे नहीं था दिसंबर के बाद से लिस्टिंग में आया था, तो देखिए उसके बाद से इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो डेफिनेटली एवरी क्वार्टर कंपनी अपनी ग्रोइंग दिखा रही है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, 2 क्वार्टर से कंपनी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ईयर वाइज रिजल्ट देखेंगे तो भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आप बाय करेंगे, पैसा ना होल्ड रखेंगे तो भी अच्छे ट्रेंड अप मूव मिलेंगे देखने को आपको, ठीक है। तो ये था क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट का रिव्यू हमारा, अब थोड़ा सा मोटा मोटा और समझ लेते हैं इसके अंदर ईयर वाइज क्या चल रहा है। ये देखिए ईयर वाइज भी देखिए मार्च 2020 के अंदर इनकी सेल थी 161 करोड़ की, वो बढ़ के मार्च 2021 के अंदर आई थी 191 करोड़ की, प्रॉफिट देखेंगे 30 करोड़ से बढ़ के आया था 39 करोड़, EPS में इफाजा था, यानी कि ईयर वाली कंपनी भी ग्रोथ करी है, देख लेंगे आप 18 से, ये देखिए 16 से देखिए 6-17 में 18 में, यानी ईयर वाइज देखेंगे आप ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है, और अनुमान लगाया जाएगा 57
करोड़ का प्रॉफिट आएगा ईयर ईयर 2020 का, जो 2022 का जो रिजल्ट आएगा ईयर ईयर वाइज, उसमें हिसाब मिलेगा देखने को आपको। तो आपको क्या करना है, इस कंपनी में ईयर ईयर वाइज भी ग्रोथ आ रही है, क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट भी अच्छी दे रही कंपनी, और आपको पता है कि इस फील्ड की जो डिमांड डेफिनेटली अभी है, फ्यूचर का फ्यूल है ये, इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और फ्यूचर में इसका ये बिजनेस ग्रो करेगा और इस कंपनी को बिजनेस मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी के साथ नहीं है, क्योंकि इनका काम है इंस्ट्रक्चर करना, यानी कि मैन्युफैक्चर और इंस्ट्रक्चर बना के देना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम इनका। तो बेसिकली काम तो इनका कभी जाने वाला नहीं है, कंपनी का काम भी अच्छा है, कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर ईयर वाइज रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो ये था कंपनी का ओवरव्यू। अब थोड़ा सा और समझ लें, मैं टिकट टेप के साइड पर आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप 93% सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट रेज करा इन्होंने। अब इसका जो समझते हैं मोटा मोटा ओवरव्यू समझते हैं इसके चार्ट के अंदर, ये देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है। अब डेली चार्ट में क्या मूवमेंट चला ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या मूवमेंट आया, कल के दिन में जो गिरावट थी परसों के दिन, यानी आपकी गिरावट जितनी होनी थी वो हो चुकी थी 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को जब इसमें वो आता है, इसमें अपर सर्किट लगा था सीधा 5% का अपर सर्किट के बाद लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग का समय था, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट था क्योंकि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, अनुमान नहीं लगाया जाता कि अच्छा रिजल्ट आएगा, बाकी कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 डेज एवरेज मूव, 21 डेज के एवरेज मूव को क्रॉस मूव करेगा, ठीक है, ये ब्रेकआउट का लेवल आ चुका है यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट बन चुका है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे, देखिए ये इसका मूव क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पे देखिए ये भी ये क्रॉसिंग पे चल रहा है, यानी कि आप देखेंगे ये 150 दिन के एवरेज मूव 100 दिन के एवरेज मूव क्रॉस करके जाएगी ये, ठीक है, इन्होंने पहली क्रॉस कर, ये दो करेक्शन आने का तैयार है यहाँ पे, एक तो 150 दिन की ये देखिए ना, 150 दिन के एवरेज मूव 100 दिन के एवरेज मूव को क्रॉस करके जाएगी, ठीक है, दूसरा 21 दिन की एवरेज मूव को 7 डेज के एवरेज मूव को क्रॉस मूव करके जाएगी। तो ये क्रॉस मूविंग होगी डेफिनेटली, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, चार्ट पे भी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। तो जो हमें स्टॉप लॉस रखना है, इसमें रखना है स्टॉप लॉस आपको 363 रुपये का, 363 का स्टॉप लॉस रखना है, अगर जैसे ये फिलिंग करता है, क्योंकि देखिए इसने 385 यानी कि इसने जो क्लोज करा था हाई मारा था 395 का, तो मुझे जो लगता है कल के दिन में अगर मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा, मंडे को इसमें अच्छे अप ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है क्वार्टर, और इसमें डिलीवरी काफ़ी अच्छी उठाई गई है, तो डेफिनेटली इसमें गिरावट होती, घबराना नहीं है आपको, क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट आया, गिरावट 1-2 दिन की होगी, और होगी तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो अदरवाइज इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा आपको। तो मेरा जो पहला टारगेट आएगा वो 400 रुपये का, ठीक है। अब देखिए इसमें RSI भी, MACD भी अप ट्रेंडिंग है, RSI भी अप ट्रेंडिंग है, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है शेयर के अंदर, और बाकी यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट देने को तैयार बैठा है। तो ये मोटा मोटा ब्रेकआउट है, जब ये 400 का लेवल ट्रेड खत्म करेगा तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा इस कैंडल के बाद से, इसमें पहला टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट आएगा इसमें 410 का, 410 को जब ये पार करेगा तो तीसरा टारगेट आएगा 420 का। ये जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ मैं आपको 15 से 25 दिन के टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 463 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, 400 रुपये के पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 410 का, तीसरा टारगेट 420 का, इस तीन टारगेट में बाय करना है। ये देखिए ना यहाँ पे ये जो करेक्शन हो रही है, देखिए ये जो गैप फिलिंग करके जा रही है 7 डेज के एवरेज में गैप को फिलिंग करके जा रही है, देखिए RSI MACD दोनों डेली चार्ट पे आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है। तो बाकी आप देखते हैं, हम वीकली चार्ट पे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई है, ये देखिए इसका VWAP इसका अप ट्रेंडिंग आ चाहे वीकली चार्ट पे, देखिए इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड हुई है यहाँ पे वीकली चार्ट पे, तो ये संकेत है कि इसमें अप ट्रेंडिंग आना स्टार्ट हो चुकी है अब इसमें, ठीक है। वीकली चार्ट पे भी RSI अप ट्रेंडिंग की तरफ है, MACD भी क्रॉस मूव करने को तैयार बैठा हुआ, तो डेफिनेट इसमें अप ट्रेंडिंग आएगा। ये देखिए ना ये किस तरह से ये इस तरह से जा रहा है, यानी कि जिग जैग के स्टाइल में जा रहा है, जिग जैग इसका कवर होने वाला है, ये देखिए अप ट्रेंडिंग की तरफ है। तो वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट देने को तैयार बैठा है, डेली चार्ट पर ब्रेकआउट आ चुका है, तो डेफिनेटली आप बाय करिए, तीनों टारगेट के होल्ड रखिए। तो पहला टारगेट 400 रुपये, दूसरा टारगेट 410, तीसरा टारगेट 420 का, तो तीनों टारगेट आप बाय करिए, पेशेंस आप बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़ प्लस, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।